आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ अभी डाउनलोड करें प्रश्न दिया है एक खिलौने की कार का पहिया एक अक्ष के परिता खुरदुरी सतह पर घूमता है इसकी जो कोड़ी आवृत्ति है दो सेकंड में 400 सौ आर पी एम सौ आर तक धीमी हो जाती है तब हम लोग को यहाँ पे रेडियन प्रति सेकंड के वर्ग में इसके कोडीय मंदन का मान बताना है और यहाँ पे चार विकल्प हमें जो है पाई के पदों में दिया गया है तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो कार का पहिया घूम रहा है उसके लिए हमें यहाँ पे समय टी बराबर दिया गया है कि दो सेकंड है इसमें क्या होता है कि उसकी आवृत्ति f1 जो है वह चार सौ आर होती है यानी कि रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड और हमारे पास यानी यान कि प्रति सेकंड से यह मान जो है कम हो जाता एफ टू के रूप में हम लोग इसको देख लेते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे दो सौ आर पी एस यानी कि रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड तब हम लोग को यहाँ पे बताना है कि त्वरण का मान क्या होगा तो हम लोग यहाँ से इसका कोड़ीय वेग निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास ओमेगा के रूप में होगा या फिर कोड़ी आवृत्ति हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो ओमेगा वन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा दो पाई एफ वन होगा अर्थात यह हो जाएगा दो पाई गुणित एफ वन का मान कितना है चार सौ आर पी एस है ठीक है इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि ओमेगा टू का मान क्या होगा तो ओमेगा टू हमारे पास हो जाएगा दो पाई एफ टू यानी कि यह हो जाएगा दो पाई गुणित दो सो आर पी एस हम लोग को दिया गया था अब यह मान किस में परिवर्तित हो जाएगा अगर हम लोग देखेंगे तो रेडियन प्रति सेकेंड में हमारे पास यह जो है परिवर्तित हो जाएगा यानी कि यह मान हमारा रेडियन प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा ठीक है ये हो गया रेडियन प्रति सेकंड में क्योंकि ये मान आरपीएस में था हमने इसका कोडिय वेग निकाल लिया अब हम लोग यहाँ पे कोडिय त्वरण देखेंगे जो कि मंदन होगा हमारे पास यहाँ पे तो ए आर से दर्शा देते हैं क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो हमारे पास इसका मान क्या हो जाएगा इन दोनों उसके वेग का अंतर बटे समय तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है क्या हो जाएगा ओमेगा वन रेड ओमेगा टू बटे समय टी ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं तो हमारे पास ओमेगा वन का मान कितना है दो पाई गुणित यहाँ पे हो जाएगा चार सौ फिर यहाँ पे हो जाएगा दो पाई गुणित दो सौ रेडियन प्रति सेकेंड बटे समय का मान दो सेकेंड है तो हम लोग यहाँ पे दो पाई को उभयनिष्ठ ले सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास दो पाई उभयनिष्ठ में और ये हो जाएगा चार सौ दो सौ बटे हो जाएगा दो दो से दो जो है कट जाएगा चार सौ में से दो सौ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा दो सौ गुणित पाई यानी कि जो मंदन आ रहा है रिटार्डेशन उसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास दो सौ पाई रेडियन और ये हो जाएगा प्रति सेकेंड का वर्ग क्योंकि हम लोग इससे सेकेंड से यहाँ पे भाग दिए हैं अब इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए हमें दिया गया है और याद रखिए कि सभी मान जो है रेडियन प्रति सेकंड के वर्ग में है तो हमारे पास यहाँ पे ए दिया गया दो सौ पाई यानी कि ए सही होगा बी सौ पाई गलत है सी चार सौ पाई ये भी गलत है डी इनमें से कोई नहीं ये भी गलत है अर्थात सही विकल्प जो है ए विकल्प होगा धन्यवाद कक्षा छब्बीस से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जी वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें करे डाउटा या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप